मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज जिस खबर नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि मैं आज जो हमारी श्रृंखला चल रही है कि पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाना, उसी में श्रृंखला उसी क्रम में मैं आपको पिछली एक वीडियो दिखा चुका हूँ, दूसरी वीडियो में मैं प्रतीक को लेकर आया हूँ। प्रतीक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं शायद आपको इनका परिचय इनके पिताजी के रूप में देना चाहूँगा। राजकुमार कवाड़ी जी रचित केवल नेटवर्क के नाम से आप जानते हैं, उनके सपुत्र हैं और अपने कारोबार अपने पिताजी के कारोबार को निरंतर आगे बढ़ाया। कहते हैं कि बताया भी, मेरी बात भी हुई है इनसे कि दादाजी के कारोबार को पापा जी ने आगे बढ़ाया, पापा जी के कारोबार को अब वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपने आगे बढ़ाया किस तरीके से, आपने सोचा कि वाकई जो एक रचित केवल नेटवर्क जो हमारे हमारे क्षेत्र में जाना जाता है, जनपद में जाना जाए, क्योंकि ये जो कारोबार को आगे बढ़ाया है, वाकई प्रतीक के लिए हम बार बार धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि रचित केवल नेटवर्क का करना आज बड़े जनपद में रहा जाता है। और उनकी सोच क्या है आगे बढ़ाने के लिए, हम उन्हीं के पास अब उन्हीं से रूबरू कराता हूँ मैं, चलिए मेरे साथ। तो प्रतीक भाई, हम अपने कार्यक्रम में और अपने चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अब ये हम जानेंगे, पहले तो हम एजुकेशन से ही बात करते हैं आपकी। जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं प्रतीक? मैंने अपनी बीकॉम ऑनर्स की हुई है गलगोटिया से, नोएडा से। नोएडा से, हाँ। तो हम बता दें कि नोएडा से एजुकेशन गलगोटिया से करी है प्रतीक ने। प्रतीक जी, जैसा हमने देखा हमने सुना भी कि आपके पापा ने आपके दादाजी के कारोबार को आगे बढ़ाया, आप अब उसी क्रम में अपने पापा जी के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जो नाम होता है कि पिता अपने पुत्र के नाम से पहचाना जाए, उस श्रृंखला को आपने बढ़ाया है। हम देखते भी हैं कि आज आपका पापा का नाम आपसे आगे है, क्योंकि प्रतीक के हम देखते हैं कि प्रतीक के पापा हैं ये कहा जाता है। तो ये जो निरंतर आपने कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हम धीरे धीरे अपने कारोबार को एक जनपद से दूसरे जनपद में ले जा रहे हैं। जैसे पहले केवल हमारा कारोबार आसपास के क्षेत्र में ही था, जैसे जंगीराबाद, खानपुर वगैरह, अब हमारा कारोबार बुलंदशहर नेटवर्क बुलंदशहर में भी है और खुर्जा में भी है और शिकारपुर में भी है, और केवल एक ही पूरा हमारा ही नेटवर्क ऐसा है पूरे ज़िले में, जो सिंगल हमने कंट्रोल रूम लगाया हुआ है, अपना डिजिटल कंट्रोल रूम पूरे ज़िले में एक ही है आसपास, और कोई डिजिटल कंट्रोल रूम नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, बड़ी उपलब्धि की बात है कि जनपद में एक ऐसा रचित केवल नेटवर्क जिसका कंट्रोल रूम अपना ही लगा रखा है, और मैं समझता हूँ कि आसपास इन्होंने नाम भी लिए, शिकारपुर, खुर्जा और अन्य जो जगह हैं, बुलंदशहर, पूरे जनपद में रचित केवल नेटवर्क RCN के नाम से शायद फेमस है। अच्छा, हम देखते हैं कि पापा ने, बाकी ये बात सही है कि पापा ने क्षेत्र में नेटवर्क को फैलाया था, लेकिन जब से आप जुड़े हैं, जब से आप निकल कर आ गए हैं, आपने पूरे जनपद में नाम कराया रचित केवल नेटवर्क का। अच्छा, हम ये भी देखते हैं, क्योंकि हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं, हम कब पार्टियों में भी देखते हैं आप कम बोलते हैं, तो ये बाय नेचर है या कैसा है? हाँ, शुरू से ही कम बोलने का शौक। कहते हैं कि जो कम गरजते हैं वो ज़्यादा बरसते हैं, तो प्रतीक कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा बरसते हैं, मतलब कि ज़्यादा कारोबार को अपनी आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, ये एक और सवाल है हमारा, जैसे हम देखते हैं कि आप कर्मचारियों के लिए मित्रता का व्यवहार रखते हैं, हमारे आपके कर्मचारियों से बात हुई थी, फोर्थ क्लास कर्मचारी जो भी आपसे जुड़े हुए हैं नेटवर्किंग में, टीम में, उनके फ्यूचर को भी लेकर आप चिंतित रहते हैं जी, ये क्या ऐसी सोच है आपकी? ये सोच ये है कि अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, और दूसरी बात, जब हम उनके बारे में सोचेंगे, जब भी वो हमारे बारे में सोचेंगे और हमारे कारोबार को अपना कारोबार समझेंगे। वाकई ये हकीकत बात है, क्योंकि जो कर्मचारी होता है पहले वो विश्वास करता है, और उस विश्वास को जीतना बड़ी बात है। प्रतीक ने उस सारी चीज़ों को समझा और अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो एक भाई और मित्रता का व्यवहार रखा, और उनके निरंतर फ्यूचर के लिए भी चिंतित रहते हैं आप। हम देखते भी हैं कि उनकी शायद घर परिवार में जो भी फंक्शन हो, आप स्वयं उन तक पहुंचते हैं, उन तक जाते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस मुकाम और जिस काबिलियत पर आप पहुंचे हुए हैं जी, शायद उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हम उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे बार बार। अच्छा, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कारोबार आपका अभी जनपद में है, और आपने क्षेत्र अभी बताए थे शिकारपुर खुर्जा, इसके अलावा भी कारोबार को कहीं आगे विस्तार करने का? अभी मैंने कि हम अपना कारोबार दूसरे जनपद जैसे अलीगढ़ है, जी जी, हापुड़ है, इन दोनों जनपद में ले जाने का विचार कर रहे हैं।
बता रहे हैं प्रतीक कि जो हमारा कारोबार जनपद बुलंदशहर साल में है इस फिलहाल, उसके आगे जो पड़ोसी हमारे जनपद हैं, अलीगढ़ हैं, हापुड़ हैं और जो अन्य जनपद हैं उन तक पहुंचाने का नेटवर्क काम कर रहे हैं, करने का प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये को एक और बात कहेंगे प्रतीक, हम देखते हैं कि आप आस्था से भी जुड़े हुए हैं जी, समाज सेवा के काम में भी आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वृद्धाश्रम हो या ये कोई भी समाज सेवा का काम हो उसमें भी आप निरंतर आगे बढ़ के अगल रहते हैं, वृद्धाश्रम में भी हम आपको देखते रहते हैं अक्सर। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, एक और जो आपने एक ऐसा उदाहरण नगर के लिए छोड़ दिया है कि संभवतः आप शादी के बाद उस सेलिब्रेशन करने उसके बाद आप वहाँ पहुँचे थे, ये शायद पहली बार हुआ था हमारे जनपद में, नगर में। तो ऐसा क्या था कि आप उनसे जुड़े और आप उनको लगा कि वाकई हमें जाना चाहिए वहाँ? इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जो लोग वहाँ बुजुर्ग हैं उनके हमारे अलावा उनके माता पिता छोड़ चुके हैं उनको, तो उनका कोई नहीं है। जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो मन से बहुत खुश होते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है क्योंकि हम दान वगैरह और कहीं देते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देना जो मन से खुश हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रतीक का कहना है कि जो हम दान देते हैं वो हम दान तो दे देते हैं लेकिन हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन जब हम वृद्धाश्रम पहुंचते हैं अपनी आंखों के सामने उनको खुश होते हुए देखते हैं, वाकई ये कहा हमारे भी अंदर एक ऐसा जज्बा, ऐसी खुशी महसूस होती है जो उनके होठों पर होती है और जो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि वो अपनों को खो चुके हैं क्योंकि उनको अपनों ने उनको छोड़ा है, ऐसा लगता है उनको कि अपने दोबारा मिल गए। हाँ, ऐसा ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोग या आप लोग पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता है कि शायद मेरे अपने वापस आ गए। ये बात बहुत अच्छी है प्रतीक, और हम सोचते हैं कि जो हमारे चैनल के माध्यम से इन बातों को सुन पा रहे हो, प्रतीक की बातों को सुन पा रहे होंगे, जज्बा अपने अंदर ज़रूर लाएं, वृद्धाश्रम हो या ऐसे जो निर्धन व्यक्ति हैं उनसे जुड़ें और उनकी जो कथक सेवाएं हैं, जो उनके प्रयास अपने प्रयास से जो उनकी सेवा हो सकती है वो संभवतः ज़रूर करें। ये प्रतीक का भी कहना और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं की सोच निरंतर आगे की ओर रहती है, लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर को शायद छोड़ दूसरी तरफ जाते हैं, कारोबार को छोड़ दूसरी तरफ जाते हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? कारोबार से जुड़े हैं अपने, क्या कारोबार को किस तरीके से आगे बढ़ाएं? निरंतर वो प्रयास हम देखते हैं कि दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, हम कह सकते हैं बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं, तो उनका क्या रहेगा फ्यूचर? उनको अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना चाहिए, उसी कारोबार को, अपने नाम को, पिता के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक जो मतलब यह कि जिस सोच पे वो चल रहे हैं, अगर उनको कारोबार करना है तो उसी सोच पर निरंतर प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि इधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, 10 तरफ नहीं दिमाग लगाने चाहिए, केवल एक ही सोच पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। बार बार परिश्रम करें तो सफल तो हाथों हाथ आएगी। जी जी जी, बात बिल्कुल प्रतीक ने बिल्कुल सटीक और सही कही है कि जिस कार्य को हम निरंतर प्रयास करेंगे एक दिन उसमें सफलता भी हाथ लगेगी। और जो हमारे पूर्वज और जो हमारे पिताजी का जो कारोबार है, अगर हम निश्चित तौर पर उनको करेंगे तो संभवतः वो आसानी से और हम उस कारोबार को आगे भी बढ़ाएंगे, पहुंचा देंगे और बढ़ा भी देंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़ा बिजनेस या बड़ा कारोबार करने के लिए उसके लिए बड़ी सोच होना भी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो छोटा ही सोच पाएंगे और छोटा ही कारोबार कर पाएंगे। तो इस पर कितना विश्वास रखते हैं? नहीं, बिल्कुल विश्वास रखते हैं। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? तो पहले सोचना भी चाहिए उसके बारे में, उस पर प्रयास भी करने चाहिए, उस पर अपनी सोचना भी चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं। और दिल्ली नोएडा वगैरह में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते हैं, उनमें भी भाग लेना चाहिए। हर बिजनेस से रिलेटेड इवेंट होते रहते हैं नोएडा में, एक्सपो सेंटर में, उनमें भी निरंतर जाता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और हमें अच्छे लोगों से भी मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा माइंड है वो सेटअप हो पाएगा और जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी गंदी सोच या जो हमारी छोटी सोच है वो चेंज होगी, वो बदलेगी। बिल्कुल, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रतीक भाई, हम एक और चीज़ पूछेंगे, एक बात और हम आपसे जानकारी करना चाहें, सपनों पर विश्वास करते हैं, सपना देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल विश्वास तो मेहनत पे करते हैं लेकिन देखते सपने भी हैं। हाँ, सपने देखना ज़रूरी भी होता है। कहते हैं कि अगर जब तक आप किसी चीज़ का या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सपना नहीं देखेंगे तो संभवतः वो पूरा भी नहीं होगा और उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं प्रतीक भाई, क्योंकि आप कम बोलते हैं और मैं समझता हूँ करते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पापा के कारोबार को हमने भी देखा, क्षेत्र के लोगों ने भी देखा, लेकिन आज जनपद में आप अपने जो आरसीएन का नाम है उसको फैला चुके हैं और आसपास के जनपदों में भी एक जो विचार है आपका, एक जो सोच है
उसमें आगे ले जाने का जो सोच बनाई है, ये भी हम बड़ी अच्छी बात है जी। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से, उन युवाओं से जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसी पे ही आगे प्रयास करते रहें, और जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ नई चीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस नई टेक्नोलॉजी पर भी थोड़ा सा वो ध्यान दें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में। केवल एक ही बिजनेस पे डिपेंड ना रहें, मतलब एक ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करें, बिजनेस टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उन पे भी लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। गूगल वगैरह पे, उस पे यूट्यूब वगैरह पे बहुत वीडियोस मिलती हैं, बहुत सीखने को मिलता है उस पे, देखें जी जी। बाहर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, किताबें आती हैं, उनको टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। खाली ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो छोड़ दिया, किताबें भी धीरे धीरे आगे पढ़ते रहना चाहिए। वाकई ये बात सही है, क्योंकि निरंतर हम पढ़ाई और इवेंट्स वगैरह जो सारी बातें कही हैं, और जो गूगल्स या जो हमारे आज तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि गूगल्स हमारे मोबाइल हाथों में रहते हैं, गूगल्स हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो अच्छी बातें सर्च करें, अच्छी बातें सोचें, तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो सोच रहे हैं आप, प्रतीक ने आपको रास्ते भी बताए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप प्रतीक के माध्यम से उन चीज़ों को जानें और उन चीज़ों को ज़रूर करें, जिससे कि आपका बिजनेस, आपका कारोबार आगे बढ़े। क्योंकि मैं आज हमारा जो मकसद है, हमारा जो चैनल में इन विशेष तौर पर ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, कारोबार, जिन्होंने अपने पिताजियों का कारोबार को आगे बढ़ाया, जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम आप लोगों को, हमारे दर्शकों को उनसे मिलाते रहें, जिससे कि वो जो एक सोच है उनकी, वो सोच को बदलें, और प्रतीक ने जो बातें बताई हैं उनको सोचें और समझें, और अपने जो निरंतर कारोबार है उसको आगे बढ़ाएं। तो चलिए प्रतीक जी, हम बाकी आपने हमें समय दिया, क्योंकि आप जा रहे थे, हमने आपको रोक के समय लिया है, खैर कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को और हमारे लिंक को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि प्रतीक की और प्रतीक ने जो अच्छी सोच है उसकी बातों, जो हम दोनों के बीच बात हुई है, जो इंटरव्यू हुआ है प्रतीक जी का, वो आगे तक पहुँचे, जिससे कि युवा उनके सोच, जो युवाओं ने सोच एक बना रखी है, वो सोच उनके जो मन में सोच है वो बदले और कारोबार को आगे बढ़ाए। तो चलिए हम अब विदा लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार।